अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अनुराग ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकले सतपाल सत्ती ने हिमाचल में नशे से जुड़े 99% लोगों को कांग्रेसी कहा। बीजेपी सरकार में नशे पर लगाम लगाने का उन्होंने दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक साल के अंदर चिट्टा के केसेस में 124 लोगों को गिरफ्तार किया और 34 केस बनाए। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 5 साल में मात्र 32 केस बनाए थे और कांग्रेस जो व्यक्ति चिट्टा खा करके मरता था उसके बयान के ऊपर जिसका नाम आता था उसको गिरफ्तार नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 124 लोगों को गिरफ्तार किया है और हिमाचल प्रदेश में और ऊना में जितने भी लोग चिट्टा है या अन्य नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाले हैं, अफीम वाले हैं, पुक्की वाले हैं, मैं तो पत्रकारों को भी ये आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप लोगों को उनकी लिस्ट निकालनी चाहिए और लिस्ट निकाल कर उनको उनकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे लोग और ये सब लोग इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाकी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का काम करते थे। अगर आप पुरानी अपनी वीडियो फिल्में निकालेंगे उनके इलेक्शन को अगर आपने कवर किया होगा तो जो आज चिट्टाओं के अंदर जा रहे हैं ये सब लोग कांग्रेस का काम करते थे, स्कूटर उठा करके घूमते थे और शराब की सप्लाई करते थे। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में भी इनका धंधा चला रहेगा, उसको हमने रोका है और रोक करके हम लोगों ने उसमें काफ़ी कामयाब भी हासिल किया। सती ने खुद आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे। ऊना से न्यूज़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।